नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी, इंटू ट्यूटर टैरो रीडर। आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त मंथ के ये द न्यू मून की एनर्जी। कैंसर पीपल के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हमें गाइडलाइन दे रहे हैं यूनिवर्स की, आपकी आगे की 15 डेज की जर्नी कैसे रहेगी, आप में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आपको क्या रिसीव करना है यूनिवर्स की तरफ से। तो हम पहले एंजल्स की तरफ से देखेंगे कि आपको क्या गाइडलाइन आ रही है फॉर कैंसर पीपल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको ना, आपको सब कुछ है आपके पास में, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको थोड़ा क्लियर करना है, अच्छा बनाना है आपको ना, थोड़ा एक्टिव रहना है, ना कि स्टेडी रहना है, थोड़ा एनर्जेटिक रहना है आपको, और हर चीज़ में जहाँ पर आप क्लियर बात कर सकते हो लोगों से, आपको वो करना है, और अपना माइंड जो है वो ओपन रखना है, फेयर माइंडेड रहना है, ना कि कुछ गलत आपको समझना है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसका डीपली मीनिंग समझ के लेना है, और बाद में ही आप उसके ऊपर क्लियर बात कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, एंजल्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप अच्छे से खुद को बिल्डअप करना है, आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है। ओके, आपके इमोशंस, रिलेशंस को भी आप जो यहाँ पर आ रहा है कि आपके रिलेशंस भी शायद आप कभी कभी बिना सोचे आप दूसरों के मीनिंग नहीं समझते हो और आप डायरेक्टली बात कर लेते हो। तो यहाँ पर कोई लोगों का ये भी मैसेज है कि आपको ना डायरेक्टली एकदम क्लियर कट बात नहीं करना है, थोड़ा सा उनको समझ लो, उनके फीलिंग्स समझ लो, वो किस वे से आपसे बात करना चाहते हैं, क्या इमोशंस हैं उनको उनके, और तभी आप बात करो, तो ये यहाँ पर अच्छा रहेगा। रिलीज, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है रिलीज का। रिलीज यहाँ पर आपको जो भी एंड हुआ है, जो भी आपके पास लाइफ में जो भी हुआ है उसको ना आपको यहाँ वहाँ पर एंड कर देना है, वहाँ पर फिनिश कर देना है। न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश एयर के साथ में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको वो सिचुएशन छोड़ देनी है, आगे बढ़ना है, आपको वो पीपल होल्ड करके नहीं रखने हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, या जिनके साथ जिन्होंने आपको चीट किया, या जो भी हो पास में उनको सबको छोड़ देना है, फॉरगिव कर देना है, माफ़ करते रहना है, और यहाँ पर आपके नए लाइफ के लिए आपको आगे जाना है। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर एक हेल्थ भी रिकवर होगी, शायद हेल्थ किसी का इशू होगा तो हेल्थ भी रिकवर होते होते आएगी, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और बहुत ही सुंदर गाइडलाइन आपको दे रहा है, बहुत ही सुंदर सपोर्ट आपको कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स, वो कह रहे हैं कि यस आपको हम इसमें से निकाल रहे हैं और आपको वो करना है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने भी ये ध्यान में रखना है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आप एक डायरेक्टली सपोर्ट कर पाओगे आप एंजल्स से। हम यूनिवर्स के तरफ से और मैसेज लेते हैं कि कैंसर पीपल के लिए न्यू मून की एनर्जी में क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है। वाह, द हैरोपेंट की एनर्जी आई है। हैरोपेंट की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपको बहुत थोड़ा शांत रहना है, पहले ही यहाँ पर आया था कि आपको थोड़ा शांति से बात करनी है, दूसरों को समझ कर लेना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नहीं है। जब तक कोई कुछ बात क्लियर नहीं होती है तब तक आपको कोई भी स्टेप्स नहीं लेना है। तो यूनिवर्स आपको ये यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट देगा कि क्या सच है क्या नहीं है, आपको थोड़ा सा समझने के लिए, पेशेंस रखने के लिए आपको थोड़ा आप में थोड़े चेंजेस लाएगा, और धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझ पाओगे और आगे बढ़ोगे। यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, न्यू समथिंग कुछ आ सकता है, उसको शांति से आपको देखना है, समझना है, ये भी यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहा है, ये भी आपको करना है, और आप उसको रिसीव करने के बाद में उसको ना कहीं इमोशंस ज़्यादा हाई करने हैं, ना एकदम लो करने हैं, आपको मिडल कुछ समझ कर फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ट्रैवलिंग है,
सक्सेस है जिस राह पर आप चल पड़े हो, जिस राह आपने एक राइट पाथ चुना है आपके लाइफ में, और आपको यहाँ पर पुश किया जा रहा है कि यस ये राइट पाथ है आपके जीवन के, अभी आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़कर देखना है, ना कि रुकना है। आप रुके हुए से कहीं पर हो, कोई लोग रुके हुए से है, तो यहाँ पर उनको आगे निकलना है। बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शांति से डिसीजन लेना है, बट रुकना नहीं है कि हाँ आप रुक जाओ, हाँ आप कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, बट शांति से आगे बढ़ना है। द चैरियट का कार्ड ये सक्सेस का है, और यस आपको सक्सेस के लिए मूव ऑन होना है, मूव ऑन होना है। ठीक है, जिस ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपके एम्बिशंस हाई एम्बिशंस है, बहुत हाई एम्बिशंस है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा बनना चाहते हो, और दूसरों को भी आप गाइडलाइन देना चाहते हो। वाह, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फिर से आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि आपके रूल्स डिसिप्लिन, जिन लोगों के रूल्स डिसिप्लिन, अपने खुद के लॉज आपने बनाए होंगे, तो वो थोड़े से आपको जैसे थोड़े ढीले करने हैं, दूसरे लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है, और जिनके रूल्स और डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, उनको यहाँ पर उनके डिसिप्लिन, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ना आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है कहीं पर। आपकी एक दुनिया बनने वाली है, आप एक नई दुनिया के लिए निकल पड़ रहे हो। द हार्मिट का भी कार्ड आया है। यस, आप दुनिया के लिए यहाँ पर कुछ करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, जैसे कि आप आइसोलेशन पीरियड में अभी हो या हो सकते हो, आगे आगे पीछे किसी के साइकिल हो सकती है, थोड़ा आपके सिचुएशन के अनुसार ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये ही कहा जा रहा है कि यस आपको दूसरों के जीवन में थोड़ा प्रकाश डालना है, दूसरों को गाइडलाइन देनी है, आपके एक्सपीरियंस जो भी आपने गैदर किए हैं उसको आपको दिखाना है, और खुद इनर वर्क बहुत ज़्यादा करना है। आपका यहाँ पर इनर वर्क बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े सिचुएशन से बाहर निकले हो, पास्ट में कहीं तो भी एक ऐसे सिचुएशन से बाहर निकले हो कि यहाँ पर आपके आपका इनर वर्क चालू है, यहाँ पर आप खुद के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, और नजर आओगे नहीं है तो और नजर आओगे। आप खुद सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, खुद को देखना है आपके अंदर क्या नॉलेज है क्या नहीं है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दे रहा है यूनिवर्स कि आपको ना खुद को चेंज करना है। एक द हायरोपंट के एनर्जी में, द हर्मिट के एनर्जी से आपको जैसे हायरोपंट के एनर्जी में लाने वाले हैं, आपको वो रास्ता दिखाते दिखाते द चैरियट के एनर्जी से आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लाने वाले हैं। यहाँ पर ये साइकिल भी दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यस डेफिनेटली आपके लिए, आप ग्राउंडेड पर्सन हो, आप कुछ अच्छा चाहते हो, आपका एक आप चाहते हो कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल हो या कुछ हो यहाँ पर खत्म हो जाए, और हमें आगे आगे कोई रास्ता मिले, हमें आगे कोई जीवन मिले, कुछ अच्छा जीवन मिले, हम कहीं पर फोकस करें, अपने करियर में आगे बढ़े। तो यस यहाँ पर आप इस पीरियड से या इस जो भी ये सिचुएशन चालू है आपके मन की, जो इमोशंस हाई ये वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन की यहाँ पर ये आ रही है, तो ये जो होने वाला है ये सब खत्म होने वाला है, और आपका एक डोर ओपन करने वाला है, धीरे धीरे आप वो डोर में से आगे निकलने वाले हो। द वर्ल्ड खुद का आपकी दुनिया रहेगी, खुद का सब कुछ रहेगा, और खुद अपने सही पाथ पर, सही दिशा पर आपके करियर में आप आगे जाने वाले हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखे हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की, सॉरी टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस आप ना फुलफिलमेंट चाहते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, और आप करियर के लिए आगे जाना चाहते हो, आप खुद का घर, खुद के फैमिली सब कुछ ठीक करना चाहते हो, इसके लिए आप थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो। बट यहाँ पर ये सब फैमिली आपकी आपके साथ में रहे, आपके सब कुछ साथ में रहे, ठीक से रहे, तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। यस आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, आपका कम्युनिकेशन करना इन द सेंस क्लियर, थोड़ा सा क्लियर बात करना है, बट पेशेंस के साथ में, मैंने पहले बोला था
डिसिप्लिन ज़्यादा ही आप स्ट्रिक्ट हो तो आपको थोड़ा सा लूज करना है, दूसरे के इमोशंस को समझ लेना है, तभी आप ना आपके पूरे फैमिली को समझ लोगे और तभी आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो समझ पाएंगे कि यस आप उनके लिए कुछ कर रहे हो करके। यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप उनके लिए करना चाहते हो बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर नहीं होने के वजह से यहाँ पर वो लोग आपको अपना समझने में थोड़ी दिक्कत उनको महसूस हो रही है, और आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो अपने पूरे फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, यहाँ पर कम हो रहे हैं। बट आगे यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यस आपको उसमें उस चीज़ में से आपको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके पास में आने वाली है और आप खुशी से रहने वाले हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो, करियर में भी आप स्ट्रांग होने वाले हो, जो लोग घर लेना चाहते हैं वहाँ पर वो घर भी ले सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होगा, छोटा बड़ा जो भी है आपके जीवन में सेलिब्रेशन होने वाला है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, जो भी है आप खुद इंडिपेंडेंट बनोगे, आप खुद का खुद एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करोगे, आपकी खुद क्रिएटिविटी आप आगे लाने वाले हो, आप आपके अंदर जो खूबियाँ है उसको भी बाहर लाने वाले हो, आप न्यू मून के एनर्जी से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है और आप एक इंडिपेंडेंट बनने के लिए अपना जीवन स्टार्ट करने वाले हो। यस एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो बट इंडिपेंडेंट, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे कि यस कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने के बाद में आप आपकी फैमिली स्टेबल करोगे, नहीं आप खुद आप खुद सेल्फ मोटिव होगे, आप सेल्फ कुछ ना कुछ करोगे, सेल्फ क्रिएटिविटी करोगे, सेल्फ अपना कुछ तो भी स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ आप खुद का करोगे और खुद स्टार्ट होकर खुद जब आप खुद कुछ ऐसा बन पाओगे बनोगे तब आप आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। यहाँ पर ये नजर आ रही है और यहाँ पर ये गाइडलाइन आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से, यूनिवर्स कहते हैं कि आगे बढ़ो, आप खुद इंडिपेंडेंट बनो, आपके साथ में वो है, आप उनकी ब्लेसिंग आपके साथ में है। यस जो लोग यहाँ पर वाव एस ऑफ कप्स, जो लोग यहाँ पर शादी करना चाहते हैं या प्यार प्यार उनका उनको चाहिए, मैंने कहा ना रिलेशन में सब कुछ फुलफिलमेंट होगा, उनका प्यार शादी जो भी है छोटा बहुत सेलिब्रेशन ज़रूर होगा आपके जीवन में, आपको सब लोग आपके पास में रिटर्न आएंगे और आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपका हर पर्सन आपके ज़िंदगी का जो भी आप जिनको वैल्यू देते हैं वो लोग आपको वैल्यू देंगे और आप उनको वैल्यू देंगे, एक बहुत ही प्यारा आपका रिलेशन मेंटेन होने वाला है फ्यूचर में और यूनिवर्स ही आपको देने वाला है, बिकॉज आप यहाँ पर इनर वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो और सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन को यूनिवर्स भी ऐसे पर्सन भेजता है कि उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ओके धीरे धीरे आपका रिस्पेक्ट लोग करते जाएंगे आपकी आपके क्योंकि आपके टोन में एक बदलाव आएगा, आपके आपके स्टाइल में एक बदलाव आएगा, सब कुछ आपका यहाँ पर धीरे धीरे चेंज होने वाला है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मैंने पहले कहा था जो कि आपकी एक एंडिंग होने वाली है, रिलीज होने वाले हैं, आपको फॉरगिव करना है, जो भी लोग आपके आपके बीच में आने वाले हैं, जो भी आपके पास लोग थे आपको जो भी जिन्होंने भी आपको पीछे पास्ट लाइफ में तकलीफ दी है उन लोगों को आपको ब्लॉक करना है, ना कि आपके एरिया आपका एरिया आपको प्रोटेक्ट रखना है, आपका ओरा आपको प्रोटेक्ट रखना है जिसके वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, और आपको ना हार्ड वर्क भी करना है, आपको जो जो काम आपको करना है, आगे जाना है, सक्सेस करना है, करियर करना है, बिजनेस करना है, उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सेल्फ हार्ड वर्क अकेला करना पड़ेगा और अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, यस फ्यूचर में आप ज़रूर खुद के ऊपर सेल्फ इनर वर्क तो करोगे, वैसे भी हार्ड वर्क भी करोगे और आप अपना बहुत अच्छा काम करने वाले हो। यहाँ पर गुड कर्मास करने वाले हो, जिसका भी लोन होगा, जिसका जिसकी जिससे भी आपने लोन लिया है वो यहाँ पर आप रिटर्न करते हुए नजर आ रहे हो फ्यूचर में,
और आप गुड कर्मास करते हुए भी नजर आ रहे हो, यहाँ पर पूरा बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, आपके गुड कर्मास बैलेंस कर रहे हो और आपका फैमिली बैलेंस कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल बैलेंस कर रहे हो, आपके इमोशंस बैलेंस कर रहे हो, एवरीथिंग। आप बहुत कुछ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप ऐसे छह बातें ऐसी बातें हैं कि आप बैलेंस करोगे, खुद में चेंजेस लाओगे, खुद को एक आप यहाँ पर ईगो भी आपका रिलीज होने वाला है, आप में कोई भी ईगो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, आप खुद को चेंज करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर बहुत ही सही गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है और यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फेरीज आपको क्या गाइडलाइन दे रही है मून की एनर्जी में, फेरीज क्या बोलना चाहती है आपसे और आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फेरी, प्लीज गाइडलाइन फॉर द कैंसर पीपल फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, यस डेफिनेटली आपको फ्रेंडशिप बनाना है। यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि आपको कम्युनिकेशन, आपका टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपको फैमिली, आपको ना वही आपकी ना पोलाइट एक नम्रता होनी चाहिए आपके टोन में, अभी वो सब चेंज होने वाला है और आपको फ्रेंडशिप बनाना है। फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आपको, फ्रेंड्स तो एंजल्स है यहाँ पर, फेरीज आपके आपके फ्रेंड्स है, बट आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, आप बना सकते हो। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड अ फ्रेंड्स, नाउ इज अ टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। यस, आपके राइट पाथ पर आगे जाने के लिए आपको कोई ट्रू फ्रेंड्स मिलता है तो आपको उसको उसकी सलाह लेनी है, उसका सपोर्ट लेना है, ओके और आपको आगे बढ़ना है, ना कि रुकना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन में आप थोड़ा ये करो, ये बहुत ही एक प्रेशियस टाइम है आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, फेरीज गाइडलाइन यही दे रहे हैं, द फेरी ऑफ द टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर टाइम आदर, ओके। आपको टाइम ऐसे कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, आपको जो भी करना है आपके खुद के इनर वर्क पर काम करना है, आपको पीछे पास में गए वो लोगों पर उनको छोड़ देना है, ना कि उनके लिए सोचते बैठना है कि क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर का देखो, ओके प्रेजेंट देखो या फ्यूचर देखो, पास को आपको देखना ही नहीं है, आपको खुद के ऊपर वर्क भी करना है, स्ट्रगल की भी करना है, आपको सक्सेस डेफिनेटली है, आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, ये भी 101% है। यहाँ पर गाइडलाइन ये मिल रही है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं और आपको रिसीव करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर द न्यू मून की एनर्जी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आ रही है, तो उसको रिसीव कीजिए और देखिए कि आप में क्या चेंजेस करना है, आप चेंजेस कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।